फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। हम अभी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पे। प्यारे दोस्तों, आप सबने लगभग सीयूईटी एग्जाम के आखिरी स्टेज पे आप सबने पार कर लिया है। फ्री स्टेज यानी आखिरी एग्जाम भी आपका कुछ दिनों में हो जाएगा। सो डी यू स्पेशल ये वीडियो होने वाली है। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अलर्ट मोड पे रहोगे। देखो, एडमिशन का एक पूरा प्रोसेस समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें हर वो चीज़ लाइक कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ आ रहा है, कब निकल रहा है, कौन से वेबसाइट से पता चलेगा, क्या ईमेल आया आपको, कब आपको जाना है, इन सब से रिगार्डिंग फुल टू इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। अब वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं डेली अपने लाइव सेशंस में। सो अगर आपने हमारा ये चैनल पे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है, सिर्फ आपको एक महीने के लिए ज्वाइन करना है। उसमें बेनिफिट काउंसलिंग वाले बच्चों को ये मिलने वाला है कि वो क्या करेंगे, उनके लिए हम स्पेशल डिवाइस्ड वीडियो डालेंगे दो तरीके से। या तो आपको पर्क्स मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस का है, वन मंथ में ये आप बेनिफिट उठा सकते हो सिर्फ इस चीज का। सारे डेडिकेटेड वर्क जो भी आपके लिए काम का है, लाइक आपको फॉर्म भर के दिखाना, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं इसी पेड मेंबरशिप वाले ग्रुप में। दूसरा चीज, जो बच्चे फ्री वाले हैं उनके लिए भी कंटेंट लाएंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं लाएगा, लेकिन जो पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं थोड़े बहुत रुपए देकर के, क्योंकि देखो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमने ये सोचा है कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, जो चाहते ही हैं कि उनको कन्फर्मेशन के साथ एडमिशन मिले, उनके लिए ये लाइन स्टार्ट किया जाए। दूसरा है कि आपको हमारे एक काउंसलिंग मॉड्यूल के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, वो भी हम अपने एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे लॉन्च कर रहे हैं। सो अगर आपको वो लिंक चाहिए जिसपे काउंसलिंग मॉड्यूल का पूरा सिस्टम रहेगा, तो आप उसको 1 तारीख तक इनरोल हो सकते हो। मतलब 1 तारीख से आपका वो शुरू हो जाएगा। आपका एग्जाम कब खत्म होगा? 29, 28, 29, देखो आप फ्री हो जाओगे इस मंथ के एंड तक। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आपको सारा फोकस 2-4 दिन रेस्ट करके काउंसलिंग पे ही करना है। तो 5 तारीख तक हमारा ऑफर रहेगा। जो बच्चे काउंसलिंग मॉड्यूल में सुबह शाम हम लाइव आएंगे और उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि बच्चों ये ऑप्शन है, आपको ये प्रेफरेंस के साथ कॉलेज को फिल करना चाहिए। बात समझ में आ गया? बहुत मुश्किल नहीं है, कॉलेज में प्रेफरेंस लिस्ट बहुत मैटर करता है। बहुत ज़्यादा स्कोर और रैंक वाले बच्चे भी बहुत बेकार कॉलेज में चले जाते हैं, और बहुत बेकार स्टूडेंट भी अगर अच्छे से प्रेफरेंस भरें तो प्रेफरेंस के साथ वो अच्छा कॉलेज प्रेफर करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? सो बात कर लेते हैं कि DU का आपका CSAS पोर्टल कब तक लॉन्च होगा। ये तो हो गया कि आपके काम की बात। CSAS पोर्टल जो UG का है, PG वालों का तो चल रहा है। UG एडमिशन पे आप अगर देखोगे तो लास्ट का यही सीट मैट्रिक्स है, जो आपका जाकिर हुसैन कॉलेज है, और जो ये आपका, मैं दिखा देता हूँ, आपका सीट मैट्रिक्स दिया गया है 2 कॉलेजों का, ठीक है। कोरिजेंडम मतलब ये एक्स्ट्रा नोटिस में इंक्लूड किया गया है। एक तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग वाले का है और दूसरा है श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग, ठीक है। ये 2 कॉलेजों में जो कुछ ऑनर्स पेपर जोड़े गए हैं, उनमें सीट्स जो जोड़ी गई हैं, उसके बारे में यहाँ पे बातें दी गई। इसके अलावा कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया, लेकिन मेरी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस यूजी वाले बच्चों के लिए, वो कब स्टार्ट हो जाएगी? वो स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द एग्जाम, यानी 2 से 4 दिन के गैप के बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 20 से 25 या 1 महीने तक का टाइम आपको मिलेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, हर हाल में अगस्त से सेशन स्टार्ट कर देना है। समर वैकेशन के बाद आपके सारे सेशन भारत के यूनिवर्सिटी के सब अपडेट होने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आपको बने रहना है इस सेशन में। हम डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेंबरशिप हो या फ्री हो या जिस तरीके से भी हो, आप हमसे जुड़े रह सकते हो। हर उपाय, हर व्यवस्था हमने आपके लिए बना दिया है। सो आप तैयार हो जाना सारे डॉक्यूमेंट्स। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं सबको अपडेट करवा लो। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये तो अपडेट होता ही है, मतलब ये तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको मिल रहा होगा, 12th के स्कूल से मिल रहा होगा, तो आप ले लो। लेकिन सबसे ज्यादा तैयार रहना है बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट में, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के आपको रेडी रहना है। थैंक यू सो मच। BHU, DU, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।